नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे न्यू और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां पे हम लोग ज़्यादातर सीखते हैं एफएल स्टूडियो ऑडियो इंजीनियरिंग के रिलेटेड टॉपिक्स। ऑडियो रिकॉर्डिंग का बहुत सारे सोर्सेस है दोस्तों, और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है बहुत लोग अलग किस्म से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, वो भी मैं एक्चुअली इस माइक से मैं एक सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो है एक्चुअली जो मेरा जो वीडियो का जो सॉफ्टवेयर है वो वीडियो सॉफ्टवेयर में से मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें वो फंक्शनैलिटी है। अभी मैं ये ऑडियो क्यों रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मेरा वोकल जो है आपके लिए अच्छा क्वालिटी आप लोग को मिले। बहुत सारे लोग हैं एफएल स्टूडियो खरीद नहीं पा रहे बिकॉज वो ट्रायल वर्जन में आता, वो सेव नहीं कर पाते। तो बहुत सारे मेरे जो प्रेषक है वो लोग पूछ रहे थे, सर ऐसा कोई फ्री सॉफ्टवेयर बता दो जहाँ पे हम लोग डाउनलोड करके हमारा रिकॉर्डिंग कर सके वोकल। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पोएम्स सिर्फ रिकॉर्डिंग करना चाहते, सिर्फ वोकल्स, म्यूज़िक नहीं चाहिए उनको और कुछ नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास म्यूज़िक है ऑलरेडी, लेकिन उसके ऊपर वो लोग वोकल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आज मैं छोटा सा एक आपको एक सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा जो फ्री है और आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और उसके ऊपर आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, इक्वलाइजर भी कर सकते हो, कंप्रेसर भी कर सकते हो, बहुत कुछ एडिटिंग भी कर सकते हो। तो आइए चलते हैं दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं ऑडासिटी बोल के ये जो सॉफ्टवेयर है फ्री है, और आप कैसे उसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, Hey guys, do not forget to subscribe and hit the bell icon for ongoing updates on this channel. तो आज हम जैसे बात कर रहे थे, जो सॉफ्टवेयर है Audacity वो बिल्कुल ही फ्री है दोस्तों। आप जाइए गूगल खोलिए और उसके बाद Audacity डाल दीजिए। ये देखिए Audacity, ये डालेंगे तो आपको सबसे पहले आपको ये मिलेगा, और ये जो है इधर क्लिक कर लीजिए audacityteam.org, इधर जाइए आप। ये खुलने के बाद दोस्तों ये देखिए, ये फ्री ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑडियो सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल ही फ्री है दोस्तों। तो आप टेंशन मत लीजिए, इसमें एक पैसा भी नहीं देना पड़ता है, सॉरी मेरा, ठीक है। और इधर अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ पे आपका डाउनलोड है इधर, और अगर आपका मैक है मैक में भी, लिनक्स में भी यूज़ कर सकते हैं ये। तो अभी हम लोग ये विंडोज़ के लिए अभी हम लोग डाउनलोड करते हैं। ये देखिए Audacity फॉर विंडोज़, आप अपना सिस्टम देख लीजिए कौन सा आपका, उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर लेना। तो इधर बहुत कुछ डिटेल्स है, अगर पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप Audacity फॉर विंडोज़ देख लीजिए। और उसके बाद रिकमेंडेड डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन ऑफ Audacity लिखा हुआ है, तो जो भी आपके हिसाब से आपको लगता है कि आपको चाहिए, ये देखिए विंडोज़ वर्जन, इधर सब कुछ सब डिटेल्स दिया हुआ है। तो इधर लिखा हुआ है फॉर विंडोज़ 98ME, अगर आप लोग अभी भी यूज़ कर रहे हो 98 तो आप इधर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 वर्जन है। तो अभी हम लोग डाउनलोड करते हैं इसका जो है इंस्टॉलर, ये रहा Audacity 2.33 इंस्टॉलर भी है और zip फाइल में भी है। हम लोग ये 2.33 वाला जो है इंस्टॉलर इंस्टॉल करते हैं। तो ये रहा दोस्तों पूरा जो जो Audacity का जो इंस्टॉलर है, तो हम लोग को ये चाहिए, हम लोग ये इंस्टॉल करते हैं अभी। तो ये आ गया, मैं इसको मेरे डाउनलोड्स में डाल देता हूँ सेव। एक बार आपका ये डाउनलोड हो गया आप ये खोल सकते हो, और उसके बाद आप इंस्टॉलेशन पे चले जाइए। तो ये रहा, मैं हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से मैं इंस्टॉल करता हूँ। ये रहा दोस्तों, इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ये रहा। इंफॉर्मेशन है, पढ़ लीजिए, लॉन्च Audacity है, फिनिश, ओके मान लीजिए। ये है वो सॉफ्टवेयर जो मैंने बताया था आपको, जो है फ्री है। अभी इसमें जो है, अभी मेरा जो माइक है एक्चुअली आ रहा है Behringer जो UMC 22 साउंड कार्ड है, तो उसका हम लोग को सेटअप करना पड़ेगा पहले। तो सेटअप के लिए हम लोग जाएंगे, मैं इसको देखता हूँ अभी, मैं अभी पहली बार आपकी तरह खोल रहा हूँ ये। सो एडिट प्रेफरेंसेस, तो प्रेफरेंसेस इसमें होगा आपका डिवाइसेस, प्लेबैक, रिकॉर्डिंग इसमें दिया हुआ है आप लोगों को। देखिए क्वालिटी जो है 44:48 भी कर सकते हो आप, सैम्पल रेट 24 बिट में रखता हूँ ज़्यादातर, अच्छा क्वालिटी होता है, और ये 48 में रख देता हूँ मैं, ठीक है। और सैम्पल रेट कन्वर्टर जो है, तो मैं तो इसी में ही रखता हूँ ये। तो हाँ दोस्तों, इधर डिवाइसेस में आप देख सकते हो, सबसे पहला जो है डिवाइसेस, होस्ट जो है MME दिया हुआ है, ठीक है, हमें वो लेना है अभी। अगर आप लोग एक्सटर्नल साउंड कार्ड यूज़ कर रहे हो तो MME, अगर आप विंडोज़ का देख रहे हो तो विंडोज़ का डायरेक्ट साउंड ले सकते हो, अगर आप लैपटॉप से रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो उसमें से भी आप माइक लगा के रिकॉर्डिंग कर सकते हो। डिवाइस जो है मैंने लिया है, मेरा जो है
स्पीकर 7 ऑडियो, ये मेरा यूएसबी है, रिकॉर्डिंग जो है ये प्लेबैक का डिवाइस है, तो मेरे को मुझे मेरे हेडफोन्स में सुनाई देगा, और रिकॉर्डिंग जो है मेरा यूएसबी कोडेक जो है उधर से ले रहा हूँ मैं, जो मेरा बेहरेंजर से रिकॉर्डिंग कर रहा है। और आपको मोनो रिकॉर्डिंग करना है या स्टीरियो रिकॉर्डिंग करना है वो आपके ऊपर है। मैं अभी फ़िलहाल ये इसके लिए मैं मोनो रिकॉर्ड करता हूँ और मैं क्लिक ओके मारता हूँ। तो अभी दोस्तों जब मैं बात करूँगा और रिकॉर्डिंग करने के लिए मुझे बस ये अभी क्लिक करना है, और आप देख सकते हो इधर मेरा जो है लेवल्स इधर आ रहा है ऊपर, और अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो यहाँ दोस्तों यही है ऑडासिटी का जो सॉफ्टवेयर है, अभी जैसे मैंने आपको बताया और दिखा रहा हूँ, ये अभी मोनो रिकॉर्डिंग चल रहा है। अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो इसको मैं खेल के दिखा देता हूँ आपको अभी। और आप देख सकते हो इधर मेरा जो है लेवल्स इधर आ रहा है ऊपर, और अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो यहाँ दोस्तों यही है ऑडासिटी का जो सॉफ्टवेयर है, अभी जैसे मैंने आपको बताया और दिखा रहा हूँ, ये अभी मोनो रिकॉर्डिंग चल रहा है। अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये रिकॉर्डिंग हो चुका है अभी हमारा, और इसको अगर आप एडिटिंग भी करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं इसको एडिटिंग करके दिखाता हूँ, कंट्रोल, अगर इसको मैं चाहता हूँ कि ये डिलीट कर दूँ, इसको मैं कर दिया सेलेक्ट और डिलीट मार दिया मैंने इधर से, और अगर मैं इधर से भी अगर मैं ये डिलीट करना चाहता हूँ, ये सेलेक्ट कर लिया, ये डिलीट कर दिया, और ये मेरा लास्ट वाला जो था एक्स्ट्रा वो भी डिलीट कर दिया मैंने। और मैं इसको सोच रहा हूँ कि थोड़ा इक्वलाइज़र कर दूँ, इसको कंट्रोल ए मार दिया मैंने। कंट्रोल ए मारने के बाद आप देख सकते हो इधर इफेक्ट्स, इसमें आप जाके ईक्यू भी डाल सकते हो, कुछ भी जगह ग्राफिक ईक्यू हो गया इधर। तो ये देखिए, अगर आपको ग्राफिक ईक्यू नहीं चाहिए, आप दूसरा और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें, एम्पलीफाई है, चेंज स्पीड है, चेंज पिच, कंप्रेसर, तो ये कंप्रेसर, टाइम रिलीज टाइम, और ओके मार दीजिए आप इसको। ये देखिए अभी हम सुनते हैं इसको, और आप देख सकते हो इधर मेरा जो है लेवल्स इधर आ रहा है ऊपर, और अभी, और अगर आप और भी बहुत कुछ अगर करना चाहते हो चेंजेस आप कर सकते हो इसमें, बहुत सारे देखिए, हाई पास फिल्टर है ये जो हमें चाहिए था, अभी रोल ऑफ जो मुझे चाहिए वो एक्चुअली लगा लीजिए, मुझे चाहिए 24 dB फ्रीक्वेंसी, मुझे चाहिए 200, और उसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं हम लोग। और आप देख सकते हो इधर मेरा जो है लेवल्स इधर आ रहा है, देखा आपने, तो मैं इसको अभी और 100 में कर देता हूँ और उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। और आप देख सकते हो इधर मेरा जो है लेवल्स इधर आ रहा है ऊपर, और उसको ओके मार दीजिए। ये देखिए, और बहुत कुछ चेंजेस आप इसमें कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आप एको देना चाहते हो एको दे सकते हो, ये देखिए प्रीव्यू कर लीजिए, और आप देख सकते हो इधर मेरा जो है लेवल्स इधर आ रहा है ऊपर। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप डाउनलोड कर लीजिए और इस्तेमाल कर लीजिए। इसके ऊपर अब मैं और भी आपको दिखाऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, एडिटिंग और इसका जो वोकल जो है हम लोग, और बैकग्राउंड में जो हम लोग म्यूज़िक के हिसाब से हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उसके ऊपर हम लोग रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, और एन्जॉय कीजिए। तो दोस्तों बस यही आज के लिए, थैंक यू। तो हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है इसके बारे में, कि आपको कुछ शक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हो और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और सॉरी मैं एक हफ़्ता नहीं था क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था, और मिलते रहेंगे अगली वीडियो पर। थैंक यू, धन्यवाद।